आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम मुसरी में 22 तारीख को एक बारात आई थी। बारात जियनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमीन हरखोरी से गई थी। मामूली कहासुनी को लेकर शादी हंगामे में बदल गई। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे और उसके परिवार वालों की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल जियनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमीन हरखोरी से रमेश सोनकर शादी के लिए बारात लेकर रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम मुसरी पहुंचा था। उसरे गांव निवासी नंदू सोनकर की लड़की से उसकी शादी होने वाली थी। शादी में मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद शादी हंगामे में बदल गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। घटना में दूल्हा और उसके परिवार के लोग घायल हो गए थे, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विवाद की सूचना के बाद रौनापार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे के बीच किसी तरह शादी करवा दी। आज थाने पहुंचे दूल्हे और उसके परिजनों का आरोप है कि दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी। वहां विवाद खत्म भी हो सकता था, लेकिन उसी गांव के ग्राम प्रधान मनोज सोनकर ने मामले को बढ़ाते हुए अपने इशारों पर गांव वासियों से लाठी डंडों से जमकर पिटवा दिया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह लोग बेहोश हो गए थे। आरोप है कि इसी दौरान लड़की पक्ष वालों ने दूल्हे के गले से सोने के सीकड़ और दूल्हे की जेब में रखा 42,000 रुपया लूट लिया। साथ ही आरोप है कि परिवार वालों से भी 16,000 रुपये और 4 मोबाइल फोन लूटे गए हैं। फिलहाल पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास। पिताजी क्या नाम है? गुल्लू शंकर। गांव कौन सा है? ग्राम पोस्ट जमीन हड़गी पोस्ट में धनसूला जिला आजमगढ़ थाना जियनपुर पड़ेगा। रौनापार थाने में उसरी ग्राम सभा में तुम्हारे घर से बारात आई थी जी, मेरे तो बारात के दौरान क्या तुम लोगों के साथ हुआ, ये हमसे पहले बताओ। मेरे साथ यही हुआ कि वहाँ पे द्वार पूजा हो गया था, वही शादी की प्लान चल रही थी और घर का ट्रैक्टर था और वह सोचे कि ड्राइवर सोचा कि घर के सामने खड़ी कर दें। वहाँ से कोई कहा कि प्रधान के बाप को गाली दे रहे हैं। वहाँ से प्रधान धमकी, वहाँ से बोला कि बर्तिया वालों को सबको मारो और जो होगा हम देख लें। कहाँ के प्रधान थे वो? इसी जगह उसरी के जो थे वो प्रधान का नाम है मनोज सोनकर है। अच्छा, कैसे कैसे हुआ? जब प्रधान जी आप लोगों के पास आए तो क्या हुआ? वो वहाँ पे प्रधान जी आए तो हम लोग हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे, वहाँ पे अधिक लोग और प्रधान आए, वो कहें कि हमारी गलती नहीं है, कोई और प्रधान है न। हम कहें कि नहीं, आप ही की वजह से सब कुछ हुआ है। तो आज क्या करने आप थाने पे आए हैं? आप यही दर्ज कराने आए हैं कि हमारे जो भी सामान गायब हुआ है वो जल्द से जल्द कष्ट। क्या क्या सामान आपका गायब? मेरा एक सोने का चैन था और दूल्हे के पर्स में 42,000 रुपया था, उसके चाचा के पर्स में 16,000 रुपया था। ये सब एक लॉकेट थी और मतलब अधिक रूप से हम लोग को गंभीर कर बेहोश कर चुके थे। मतलब बेहोश होने के बाद लूट लिया आपको? हाँ, हम लोग को लूट। कौन कौन लोग थे? कुछ लोगों को आप लोग जानते हैं? वहाँ पे जो सोखा जो है मुन्नी सोनकर हुआ थे और प्रधान आए और उनके बाप थे देवकी और मतलब रोहित थे, मतलब अन्य सर मुझे क्या पता थे वहाँ पे कौन कौन है। इतने लोगों को मुझे सूचना मिला और यही हम दर्ज। तो दूल्हे को भी मारा गया था? यस सर। दूल्हे शादी हुई थी? हाँ, शादी मतलब यशो सर करवाए वहाँ पर। हम कहें कि हम जिम्मेदारी सब समझ लेंगे। तो यशो साहब की भूमिका अच्छी थी शादी ब्याह करवाने में? हाँ सर, वो कहें कि जो भी मैटर होगा हम समझेंगे और आना है यहाँ पे हम दर्ज करेंगे। तो आप लोग आज रौनापार थाने पर करवाई के लिए आए हैं? यस सर। एसओ महोदय मिले? नहीं, एसओ तो अभी गए मीटिंग में। तो क्या हुआ था, एसओ से बात हुई थी आपसे? हाँ, बात हुई, कहें कि इतने बजे आना तो हम लोग आए तो वो चले गए मीटिंग में। तो एप्लीकेशन दे दिए रौनापार थाने पर? अभी नहीं सर, वही आएंगे तो लेंगे एप्लीकेशन। ठीक, चला। हाँ, आपका क्या नाम है? रमेश। रमेश, पिताजी क्या नाम है? तो रौनापार थाने पे क्या करने आए हैं? कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सी कार्रवाई? ये हमारा लूटपाट हुआ है। कहाँ हुआ लूटपाट? उसरी में। कैसे? यही सब। उसरी में क्या था? हमारा शादी थी। किसकी? रमेश शंकर। आपकी शादी थी? हाँ। क्या लूटपाट हुई आपकी? हमारा 42,000 माला 42,000 पैसा लूटे है और चैन। अच्छा, कार्रवाई नहीं होगी तो क्या आप करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? कप्तान से खड़ा बात। आजमगढ़ से सीआईबी इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, अंकित सिंह। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।